नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के इस पावरफुल दमदार एलडीपी में, जहां पर हम देखेंगे तीन महारथी, त्रिमूर्ति ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड उनके साथ हमारी आइसिंग ऑन द केक, हमारी गुरुमा। दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति सुकुमार और मैं हैदराबाद से हूँ। बाय पैशन एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, एंड बाय पैशन एंड प्रोफेशन मैं मोदी केयर में सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर हूँ। बचपन से ही ऐसे फील्ड सेलेक्ट किए थे जो कुछ डिफरेंट हो। ऐसा नहीं किया जो सबने किया वो मैंने किया। और जब मोदी केयर मिला तो पता चला कि पैसा यानी कि मनी इस इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन मैं वही चीज कर रही थी जो मैं करना चाहती थी, यानी कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। दोस्तों, ऐसे पैसे कमाने के काफी सारे जरिए हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? कंपनी बहुत सारी है, जितने बाल उतनी ज्यादा, लेकिन मोदी केयर ही क्यों? इसका जवाब है वैल्यू एडिशन, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाली चीज, और वो मुझे यहाँ मिली। दोस्तों, एक इंस्पायरिंग लेडी जो सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी बीवी बनना चाहती थी, ऐसे तीन महारथी आज हमारे साथ में हैं, जो जिंदगी में हारने के बाद भी जो हार सकता है वो जीत सकता है, वो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर थे। जो वोकल फॉर लोकल इंडियन प्रमोट करना चाहते थे, और जो सोशल सर्विस के लिए यहाँ पर थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, डिसीशन हमारा है, क्योंकि राइट हमारा है, तो चूज करने का भी हक हमारा है। बिकॉज मत जाना कहीं पर किसी के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। वी वर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। नाउ आप सबके सामने मैं ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी प्यारी गुरुमा यहाँ पर है। सो स्टेज इज ऑल योर्स, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द लेजेंड ऑफ दिस इंडस्ट्री, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ज्योति जी, वैसे तो कहने को आपने अपने 1 सवा मिनट में सब कुछ कह डाला। जो मोदी केयर वैल्यू ऐड करता है, अगर इस बात को लोग समझ लें, जो मोदी केयर वैल्यू ऐड कर सकता है, अगर लोग इस बात को समझ लें, तो मोदी केयर उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देगा। सारा फेर हमारी समझ का है। मोदी केयर उतना ही बड़ा है जितना एक व्यक्ति के सोच में बड़ा है, और ये ही सोच आपकी बड़ी होती चली जाती है जब, तो मोदी केयर आपके लिए और महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण और बड़ा होता चला जाता है। और इसी को जरा और खुलासे के साथ समझाने के लिए हमारा आज का ये सेशन रखा गया है, तो जोरदार तालियां हम ज्योति जी के लिए बजाना चाहेंगे। और दोस्तों, आज वैसे तो मेरा दिन नहीं है। आज जो तीन मूर्ति त्रिमूर्ति आज के सेशन में आ रहे हैं, उन सब ने मोदी केयर को ही खाया है, पिया है, सोए हैं, जागे हैं। उनकी अगर नस काट के खून भी देखो ना, तो वो मोदी केयर का ही बहता है। तो बेहतर है हम उन तीनों को ही सुने। पर हाँ, मैं क्यों कहती हूँ मोदी केयर सारे जहां से अच्छा, ये मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, साइकिल पे माँ को स्कूल जाते जिसने देखा था, जिसने हर जगह परिवार में समझौता देखा था, जिसको सिर्फ पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया गया था और कहा गया था बेटा पढ़ लो तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे, जिसने एम कॉम किया, एम फिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई, और फिर एक घूंघट में बहू बन करके आ गई थी, और ये सारी की सारी पढ़ाइयां पीछे धरी रह गई थी, जिसकी अपनी पहचान खो गई थी, जिसका अपना अस्तित्व खो गया था, जिसका अपना आत्मविश्वास खो गया था। एक ऐसी हाउसवाइफ को जब मोदी केयर ने उठाया, जब मोदी केयर ने उस हाउसवाइफ का हाथ थामा, तो वो आज आयरन लेडी सुरेखा भार्गवा बन करके आपके सामने आ पाई। न केवल अपनी पहचान बना पाई, कईयों को पहचान बनाने में मदद कर पाई, न केवल अपने बच्चे की परवरिश ढंग से कर पाई, न जाने कितने लोगों को उनके परिवार में आजीविका चलाने के लिए मदद कर पाई। एक सिंपल सी हाउसवाइफ को मोदी केयर क्या कर सकता है, वो कहानी है सुरेखा भार्गव की। पर ये कहानी सिर्फ सुरेखा भार्गव की ही नहीं है, मिस्टर के एस भार्गव, कृपा शंकर भार्गव जी, जो कि जिंदल पॉलिस्टर में एक बहुत बड़े पोस्ट पर, कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट की पोस्ट पर थे, कंपनी से गाड़ी मिली हुई थी, कंपनी से ड्राइवर मिला हुआ था, और बस शान और शौकत कम नहीं होती थी। मुझे याद है दिवाली पर 50-50, 100-100 काजू के बर्फी के डब्बे घर आ जाया करते थे, इतना बड़ा उनका रुतबा था। पर क्या हुआ, 1 महीने के नोटिस पर कंपनी ने रिटायर कर दिया। कंपनी, वो कंपनी जिसमें रिटायरमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं थी, उस कंपनी ने सिर्फ 1 महीने के नोटिस पर रिटायर कर दिया। पर थैंक गॉड, साल 1.5 साल पहले के एस भार्गव जी ने ये सोच बनाई थी कि मैकडॉनल्ड तो मैं मेरे बच्चों को नहीं शुरू करवा के दे सकता, वो करोड़ों की गुडविल देने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं मोदी केयर बिजनेस को मैकडॉनल्ड से बड़ा करते अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, और ये संभव है। मेरे बच्चों में काबिलियत है, हर किसी में ये काबिलियत है, हर कोई इस बड़े बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। और उस विजन के साथ जो उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो जिस दिन रिटायर हुए,
लाख रुपए की उनकी मोदी केयर से इनकम सेट थी, जिंदगी में उन्हें कभी बच्चों से ऐसे हाथ बढ़ा करके हाथ मांगना नहीं पड़ा। एक सिंपल हाउसवाइफ प्रमिला भार्गव जी, जो कि एक बच्चे को सीए कराया, एक बच्चे को एमबीए कराया, और फिर बस अपने पहचान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी कि मेरा जिंदगी में क्या है, एक रुपया भी मेरा नहीं, एक पहचान भी मेरी नहीं। उस लेडी ने जब मोदी केयर को अपनाया, वो एक टांग जिनकी टूटी हुई थी, जिनका एक घोड़ा नहीं था, नी कैप जिनकी नहीं थी, वो एक टांग से लंगड़ा लंगड़ा करके चल करके जाती थी और लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताती थी। आज वो लेडी कहते ना रानी बन करके बैठी हैं। अभी उनकी बर्थडे थी, 75th बर्थडे थी, घर पे पार्टी करी गई थी, तो ऊपर से जब नीचे सीन देखा गया ना, तो करीबन 27-28 मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खड़ी थी, लोग उनको बर्थडे विश करने के लिए आए हुए थे, और वो जो 50-27 मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खड़ी थी उसमें उनका योगदान था। एक दिन उन्होंने मोदी केयर को यस कहा था, इसलिए वो 27 लग्जरी कार नीचे खड़ी थी। ये कर सकता है मोदी केयर, इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव, जिसको माँ ने बड़े अरमानों से सीए बनाया था, सुबह 5 बजे उठ करके जाके आईटीओ की लाइब्रेरी में बैठा करता था। माँ 3 टाइम का खाना सुबह 4 बजे उठ करके बनाया करती थी, और वो इंसान दिन रात एक करके, जिसने करोड़ों लोगों में से एक पास होने वाला वो चार्टेड अकाउंटेंट अरुण भार्गव बना था, पर फिर अपने ही काम किए हुए पैसे के लिए क्लाइंट के बाहर, ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे बैठा करता था, रोज परेशान होता था। जॉब ज्वाइन करी, बॉस से नफरत करने लगा था, खुद से नफरत करने लगा था। उनकी जिंदगी में आया मोदी केयर तो क्या हुआ, न केवल सारे सपने पूरे हुए, अपनी पहली कार मारुति 800 घर लाए, फिर होंडाई एक्सेंट घर लाए, फिर मर्सिडीज सी क्लास घर लाए, फिर बैंगलोर में आलीशान खुद का घर बनाया, बच्चे को आलीशान बॉलिंग एले वाले हॉस्टल में एडमिट कराया। उस व्यक्ति की शान देखने लायक थी जिसने वो शेविंग करते वक्त ब्लेड से अपने बॉस का धीमे 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 करके शक्ल को काट के फेंक दिया था, और अपने आप को रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा करते थे। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आया, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ नहीं कर सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। अरुण जी की कहानी में हमें पता चलता है क्यों मोदी केयर सारे जहां से अच्छा है हमारा। उनका बेटा निशान भार्गव, जो कि सिर्फ 1.5-2 साल का था जब इस बिजनेस को उसके परिवार में आगमन मिला, और दोस्तों फिर उस व्यक्ति ने सिर्फ जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा, निशान भार्गव ने अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ देखा है तो वो देखा है लोगों का जिंदगी में आना, मोदी केयर में आना, मोदी केयर को करना, कुछ लोगों का छोड़ के चले जाना, कुछ लोगों का बने रहना, कुछ लोगों का धीमे धीमे करना, कुछ लोगों का दिल लगा करके करना। और उसको बस इतना ही समझ में आया है कि हर कोई जो मोदी केयर में नहीं आता है, जिसमें मोदी केयर आ जाता है, सफलता उसके चारों ओर घूमती चली जाती है। इसके चश्मदीद गवाह बना निशान भार्गव। आज जब उसकी शादी हो रही है तो दोस्तों किसी चीज की कमी नहीं है, हर वो जिस चीज पर वो उंगली रख दे रहा है वो चीज उसकी है। जैसी लड़की पर उसने उंगली रखी वो लड़की उसकी है। अपनी पसंद की हर चीज हमारे बच्चे कर पाए यही तो हम चाहते हैं। और जब मैं देखती हूँ उसे ये करता हुआ तो मेरा दिल यही कहता है सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। दोस्तों मैं तो कहूंगी ही, हर मोदी केयर कंसल्टेंट जिसने मोदी केयर से सफलता पाई है वो तो ये कहेगा ही सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। अभी आपको आज इस सेशन में बहुत सारे इमोशंस के अलावा लॉजिकल इकोनॉमिकल कारण मिलेंगे कि क्यों मोदी केयर सारे जहां से अच्छा है, पर मेरा आज के इस सेशन को रखने का सिर्फ एक मकसद है। आज आप जो इस सेशन को देख रहे हो, आप अपनी कहानी तैयार करो कि आप मोदी केयर के लिए जब कहोगे सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा तो क्या कहोगे। अगर मोदी केयर की ऐसी एक कहानी तैयार करने का आपने फैसला कर लिया, आपने ठान लिया, तो आपके लिए भी हो जाएगा मोदी केयर से अच्छा कुछ भी नहीं, सारे जहां से अच्छा मोदी केयर आपका। तो आइए दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, चलते हैं हमारे आज की त्रिमूर्ति के पहले लीडर की तरफ, जिनकी कहानी भी बार बार सिखाती है कि क्यों मोदी केयर सारी जहां से अच्छा है। मैं बुलाना चाह रही हूँ हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मेजर सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ। मेजर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कावल समझा, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया बोलने का। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों मेरा नाम मेजर सिंह है और मैं पंजाब के रोपड़ शहर का रहने वाला हूं, और मैं आज आपके साथ कुछ अपनी रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूं। कहते हैं हड बीती, जो मैंने हंडाया है
जो मैंने अचीव किया है, जो मैंने गवाया है, आज उसके बारे में मैं आपसे शॉर्ट में बात करने वाला हूं। सो दोस्तों, मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में, तो वहीं पे मुझे मेरे किसी दोस्त ने मुझे ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, और मेरी पूरी फैमिली में मैं अकेला हूं जो किसी बिजनेस को कर रहा हूं। वैसे मेरी फैमिली में सभी आर्मी में है, मेरे फादर साहब भी आर्मी में है, मेरा ब्रदर भी आर्मी में है, चाचा ताया सब आर्मी में है, और मैंने भी आर्मी में जाना था। तो मैं, मेरा जो इंटरेस्ट था वो बन गया ड्रग सेलिंग में। मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे और उनको पूरा करने का मैंने ठान लिया, लगा रहा, पर सक्सेस नहीं मिली। उसके कुछ अलग कारण थे। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब की, जॉब के बाद, पर दिल नहीं लगता था जॉब पे, क्योंकि जब हम बड़े बड़े सपने देख लेते हैं फिर थोड़ी सी सैलरी पे मन नहीं लगता। तो फिर मैंने टीवीएस टू व्हीलर लोन में थोड़ा सा काम किया, वहां पे मुझे एक टीवीएस मोटरसाइकिल के जो हेड थे, ऑनर थे, उन्होंने बोला कि यार तू बहुत अच्छा काम करता है, क्यों नहीं तू अपनी डीलरशिप ले लेता। तो मैंने बोला सर डीलरशिप तो मैं ले लूंगा, पर घर पे मेरी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपका शोरूम ले लूं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तू अच्छा बंदा है, क्योंकि मैंने ड्रग सेलिंग में सब कुछ सीखा हुआ था और लोक व्यवहार मेरे को अच्छी आती थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आपको मैं एक सिटी है वहां पे जो है टीवीएस का शोरूम खोलकर दे देता हूँ, पैसा मैं लगाता हूँ, काम तैने करना है, जो मार्जिन होगा 50-50 होगा। तो मैंने यस कर दी, तो मैं वहां पे चला गया, वहीं पे रहने लगा। उसके बाद फिर वहीं पे मुझे एक कंपनी मिल गई, उनका वहां पे एक स्टोर खुला था, तो मैंने स्टोर देखा, तो मैंने कहा कि यार जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था उस जैसी ही ये कंपनी है, उस जैसे ही प्रोडक्ट है, क्यों ना इस पे हाथ अजमाया जाए। तो मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को बताओ कि ये कौन सा काम है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी, तो अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल आपको मिलते हैं। तो कल वो आए तो उन्होंने बोला कि एक मीटिंग है, आप मीटिंग में आओ। तो मैंने बोला यार आज मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग के लिए, तो अगर आप यहाँ पे आ सकते हो तो मेरे को बता दो। तो वो मीटिंग कर बाद में मेरे पास आ गए, उन्होंने फिर प्लान वगैरह दिया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद काफी संघर्ष किया, थोड़े से पे आउट आने लगा, छोटे छोटे थोड़े थोड़े सपने भी पूरे हुए, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद वो जो कंपनी थी उसने 2014 में पता भी नहीं चला कब प्रोडक्ट से हमें मनी सर्कुलेशन में चेंज कर दिया, और पैसा तो बहुत आया, बहुत सारे सपने भी पूरे हुए, पर 2015 में वो कंपनी क्लोज हो गई। बस ये सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े, वो एक रात में चूरो चूर हो गए। पहले हम जीरो थे, फिर उस कंपनी में आके हम हीरो बन गए, दिनों में ही अमीर हो गए, और हमें पता भी नहीं था। 32 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट ले ली थी, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, घर बन गया था, गाड़ियां आ गई थी, पर क्या हुआ, 2015 में वो कंपनी बंद हो गई। जैसे ही वो कंपनी बंद हुई तो फिर मैं हीरो से जीरो हो गया, और जो घर बनाया था, जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो फिर मेरे आले दुआले घूमने लगे। और फिर एक तो रिश्तेदार ही था जिसने बोला कि भैया मेरे को नहीं पता कंपनी के बारे में, मैं तो आपको जानता हूं। तो उसने 1 करोड़ रुपया लगाया था, तो उसने जो मैंने 333 गज में कोठी बनाई थी, वो कोठी की रजिस्ट्री मैंने उसको करवा दी। तो मैं फिर रेंट पे आ गया। फिर बस ये था कि अब कोई ड्रग सेलिंग में काम नहीं करना है। फिर 2015 में नवंबर में, अप्रैल में मेरी कंपनी बंद हुई और नवंबर में मेरे पास मोदी केयर आ गया। जब मोदी केयर के लीडर ने मुझे कॉल की कि भैया एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो मैंने बोला भैया मैंने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मैं अपना बहुत सारा समय जो है खराब कर चुका हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप एक बार देख तो लो, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैंने बोला चलो आ जाओ। तो वो आए, जब उन्होंने बैठे तो मैंने बोला भाई पैसा पूछा तो मैं कोई लगाऊंगा नहीं, और ना किसी का लगाऊंगा, ना अपना लगाऊंगा, ना मेरे पास है। तो
तो बोले भैया कोई बात नहीं, पैसे वाला कोई काम नहीं है, बस आप एक बार देख लो, डिसीजन आपका होगा। तो उन्होंने मोदी केयर का के बारे में मुझे बताया, मोदी केयर का बिजनेस प्लान बताया, डेमो बताए। जैसे ही उन्होंने मोदी केयर का बिजनेस प्लान में प्रोफाइल मोदी की, मोदी केयर के बारे में बताया कि इतनी बड़ी प्रोफाइल है, इतने साल से मोदी केयर चल रही है, इतने साल से मोदी ग्रुप चल रहा है, कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके ऑनर ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उनकी इतनी कंपनी चल रही है। जब उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, पहले तो मैं इस नजरिए से बैठा था कि मैंने करना नहीं है, फिर जब उन्होंने प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बनने लगा कि नहीं यार देखते हैं। सुना तो फिर वाइफ भी साथ में बैठी थी, मैंने बोला भी हाँ जी, तो बोलते हैं नहीं करना नहीं है, हमने नहीं करना, क्योंकि हम सब निराश हो चुके थे। तो मैंने उसको बोला नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमें एक बार फिर करना चाहिए, क्योंकि जिस काम के हमने सपने देखे हैं वो सपने जॉब से, शॉप से, एग्रीकल्चर से पूरे नहीं हो पाएंगे, वो जो सपने हैं वो एक अच्छी कंपनी में पूरे हो पाएंगे, क्योंकि गलती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नहीं है, गलती हमारी थी। जब हमने उस कंपनी को चुना था, चूज किया था, तब हमने प्रोफाइल नहीं देखी थी, तब हमने अच्छे प्रोडक्ट नहीं देखे थे, तो हमने तो सिर्फ देखा था सस्ते प्रोडक्ट, हमने तो देखा था कि दालें हैं, चीनी है और बेसन है, हमने तो ऐसे प्रोडक्ट देखे थे, पशुओं की फीड है, पशुओं का कैल्शियम है, हमने तो ऐसे प्रोडक्ट देखे थे, कोई ये तो लोगों की जरूरत है, ये तो लोग लेंगे ही लेंगे, पर इतने सस्ते होने के बावजूद भी लोग लेते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास और कुछ बताने के लिए नहीं था, कोई डेमो नहीं थी, सिर्फ हम यही बताते थे कि प्रोडक्ट सस्ते हैं, प्रोडक्ट सस्ते हैं। एक दो बार लोग ले लेते थे, फिर लेते नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी। और फिर क्या हुआ, तो वाइफ बोली नहीं करना है, मैंने बोला भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हमें करना चाहिए, चलो ये मान गई, चलो करते हैं। फिर हमने शुरू कर दिया। और मोदी केयर में आने का मेरा जो मेन कारण था वो है मोदी केयर की प्रोफाइल, मोदी केयर का प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी तभी काम करेंगे अगर कंपनी अच्छी होगी, सपने भी तभी पूरे होंगे अगर कंपनी अच्छी होगी। हम बोल देते हैं पैसिव इनकम, भैया पैसिव इनकम कैसे आएगी अगर कंपनी बंद होगी, अगर 5 साल मेहनत की, 6 साल मेहनत की, 6 साल मेहनत करने के बाद कंपनी ही बाय बाय कर गई तो पैसिव इनकम कहां से आएगी। तो मेरा ड्रीम था पैसिव इनकम, पर पैसिव इनकम तभी आएगी अगर कंपनी रहेगी, अगर हम अच्छी कंपनी के साथ नेटवर्क बनाएंगे, अगर कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी तो ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। तो मैंने ये सारा सोचा, देखा, रीड किया। तो वो बोलते हैं कि भैया कब करोगे, मैंने बोला आज ही कराओ। तो मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने 1 by 1 प्लान डेमो करने शुरू किए, कुछ दिक्कतें भी आई, प्रॉब्लमें भी आई, कोई भी काम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लमें तो आती ही, आपको पता ही है, पर मैंने ठान लिया कि इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों को मैंने अपनी टीम में शामिल किया, तो लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, पहला चेक मेरा 5,400 का बना, ऐसे ही फिर मैं दूसरे महीने डायरेक्टर हो गया, 16,000 का बना, 18,000 का बना, मार्च 2016 में मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हो गया, तो मेरा चेक बना 1,12,500 रुपए का, और उसके बाद 2 लाख 2.5 लाख, आज मेरी इनकम 4 से 5 लाख रुपए महीना है, और 3-4 मैं गाड़ियां मोदी केयर से अचीव कर चुका हूं, एक मैंने जो मेरा घर का सपना था वो घर का सपना भी मोदी केयर से मैंने पूरा कर लिया, आज मैं अपने घर पे बैठकर मीटिंग कर रहा हूं, और किराए के मकान से छुटकारा हो गया, नहीं तो हर 6 महीने के बाद कभी सामान चेंज करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, ये सारा कुछ करना पड़ता था। और जब जो रिश्तेदार थे वो आकर पूछते थे अभी आपने अपना घर नहीं बनाया, तो उस टाइम तो ये होता था कहीं मर जाएं, क्योंकि वो जान जान कर आकर पूछते थे कि यार तू अभी रेंट पे ही है, तू अभी रेंट पे ही है। तो जिस दिन का मैंने ये दोबारा मोदी केयर का घर बनाया है, तब उन सबकी बोलती बंद हुई है, और वो बोलते थे कि ये ऐसे ही करेगा, ऐसे ही दूसरी कंपनी में फेल हो जाएगा, मच्छी पत्थर को चाटकर वापस आ जाएगी। तो जब मैंने मोदी केयर से मेरा 1 लाख का चेक आया तो मैंने फेसबुक पे डाला, तो मैंने बोला
कि भैया आप बोलते थे मच्छी पत्थर को चाट कर वापस आ जाती है, तो भैया मच्छी तो पत्थर को पार कर आगे निकल गई है। तो विश्वास पक्का है मोदी केयर पे, प्रोडक्ट पे विश्वास पक्का है, सिस्टम पे विश्वास पक्का है। और दोस्तों जब आप बिजनेस में चलोगे तो बहुत से लोग आपके सपने चोरी करने आएंगे, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा 1,12,500 का चेक बना तो मेरा स्पॉन्सर ही मेरा विश्वास डलाने आ गया। तो मेरे स्पॉन्सर ने अपनी नई कंपनी बना ली, तो वो बोलता कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। मैंने बोला भैया अब तो हमारा विजन क्लियर हो चुका है और आपने ही किया है। आपने ही किया, आपने ही प्रोफाइल के बारे में बताया है, आपने ही प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब हम पीछे मुड़ने वाले नहीं है। तो वो छोड़कर चला गया, उसने मेरी काफी टीम को डिस्टर्ब किया, मेरे को डिस्टर्ब किया। और मैंने बोला भैया अब तू जो मर्जी कर, किसी को ले जा, किसी को डिस्टर्ब कर, मैं हटने वाला नहीं। उसके बाद जो उसके ऊपर वाले थे वो किसी कंपनी में चले गए, तो उन्होंने बोला तू भी आ जा। मैंने बोला भैया अब नहीं आऊंगा, अब तो मैं सोच समझ कर लगा हूं, मैंने मोदी केयर ही करना है। अब मेरी लाइफ जो है, पूरी जिंदगी जो है, वो मोदी केयर को समर्पित है, मैंने मोदी केयर ही करना है। इससे बढ़िया प्लान भी आ जाए, प्रोफाइल भी आ जाए, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। क्योंकि मुझे पता है इंडिया में जितनी भी ड्रग सेल में कंपनियां चल रही हैं, सबसे बड़ी प्रोफाइल मोदी केयर है दोस्तों। सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो मोदी केयर के पास है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ड्रग सेलिंग कंपनी नहीं चला रहा। कोई दो दोस्त मिलकर चला रहे हैं, कोई चार दोस्त मिलकर चला रहे हैं, किसी को फंडिंग की प्रॉब्लम है, किसी को जो है एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। सो मोदी केयर ने हमें सारा कुछ दिया, एजुकेशन सिस्टम भी दिया। मोदी केयर ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की कामयाब होने में, तो अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। सो दोस्तों जब जब आपका कोई हौसला गिराने आए, कोई दूसरी कंपनी वाले आ सकते हैं, कोई दो लातों वाले आ सकते हैं, रातों रात करोड़पति बनाने वाले आ सकते हैं। मैं बनाऊं रातों रात करोड़पति, फिर रोड़पति भी बनाऊं। मैंने आपको स्टोरी बताई है कि दो लगाओ करोड़पति बन जाओ, दो लगाओ करोड़पति बन जाओ। मैं उसी कंपनी से आया हूं और मैं करोड़पति बना हूं, और पर टिका नहीं हूं। टिका क्यों नहीं हूं? क्यों? वो पैसा जैसे ही आता है वैसे निकल जाता है, जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से निकल भी जाता है। और दोस्तों मैं तो एक ही आपको मैसेज दूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो दोस्तों जो जुगनू होता है वो कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो खुद लाइटिंग करता है। सो ऐसे ही जो लीडर होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते, वो खुद सिस्टम बनाते हैं, खुद टीम बनाते हैं, और अगर उनको कोई डिस्टर्ब भी करता है वो खुद डिस्टर्ब नहीं होते। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत कंपनियां आएंगी, बहुत कंपनियां जाएंगी, पर हमने टिके रहना है, हमने लगे रहना है। क्योंकि जब जब इंसान का विश्वास डोलता है, सबसे पहले विश्वास डोलता है, कभी कभी चेक बढ़ेगा, कभी स्टेबल रहेगा, कभी थोड़ा डाउन भी आ सकता है। क्योंकि ये बिजनेस है, कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। कभी थोड़ा बिजनेस अप होता है, कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, कभी स्टेबल हो जाता है। तो क्या होता है, जब तो बिजनेस ऊपर को जाता है तब तो हम बड़े खुश होते हैं, जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है तब भी खुश होते हैं। अगर थोड़ा सा डाउन आ जाए तो जो बोलते हैं कि चक देंगे फटे, आई एम डायमंड, वो फिर मिलते नहीं है। सो दोस्तों जो एक्साइटमेंट होती है, जो स्टेज की एक्साइटमेंट है, उसको अंदर भी रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ स्टेज पे ही हमने नारे लगाने हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। कोई एक बंदा आए वो आपके सपने चोरी कर कर ले जाए, आपकी टीम खराब कर दे और आप भी डमाडोल हो जाओ। हमने डमाडोल नहीं होना है, हमने टिके रहना है। टीम बन जाएगी, लोग वापस आएंगे, अगर आपको छोड़कर भी चले गए ना, अगर आप सही हो, अगर आपने उनके साथ कोई गलत नहीं किया है। जो पुरानी कंपनी में मेरे साथ लोग थे वो आज भी मेरे साथ मोदी केयर में काम कर रहे हैं। क्यों? कंपनी ने गलत किया है, मैंने कभी अपनी टीम के साथ गलत नहीं किया। मैंने कभी भी शॉर्टकट नहीं सिखाया टीम को कि शॉर्टकट में आप टाइटल कर लो, शॉर्टकट में आप पैसा कमा लो। तो मैंने तो यही बोला है
कि भैया पेशेंस से काम करो, बिजनेस अप भी जाएगा, बिजनेस स्टेबल भी रहेगा, बिजनेस डाउन भी जाएगा, आपने डोलना नहीं है। टीम बनेगी भी, टीम टूटेगी भी, सब कुछ होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ बिजनेस है। और दोस्तों जब हम टिके रहते हैं, हमारा विश्वास पक्का होता है, तो वो ही लोग फिर वापस आ जाते हैं, जहां नए लोग वापस आ जाते हैं, नए लोग हमें मिल जाते हैं। जब हम लगे रहते हैं, जैसे कि जब हम न्यू ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, तो उस लीडर को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके पास नए लोग आते रहते हैं। जब हमारे पास नए लोग नहीं आते, सिर्फ हम अपनी टीम को मैनेज करने पे लगे रहते हैं, तो क्या होता है, नए लोग नहीं आते, और दूसरा हमारा प्लान करने का कॉन्फिडेंस, डेमो करने का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। क्योंकि किसी काम को भी अगर आप लगातार करते हो तो जाकर कॉन्फिडेंस बनता है। अगर हम टीम को ही मैनेज करते रहेंगे, न्यू ज्वाइनिंग पे काम नहीं करेंगे, नए लोगों पे काम नहीं करेंगे, तो भैया थोड़े बहुत तो पुराने लोग आते जाते रहते हैं। अगर जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, एक बाल्टी की तरह होती है, जिसको नीचे शेद है, ऊपर से पानी डालो, थोड़ा थोड़ा नीचे निकलता रहता है। अगर ऊपर से पानी नहीं डालोगे तो एक दिन बाल्टी खाली हो जाएगी। तो हम सभी को, मैं भी आपके बीच में हूं, हम सभी को शोधा प्लान, न्यू ज्वाइनिंग पे काम करना चाहिए। और जब जब हम न्यू ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, अगर दो चार लोग बीच में खिसक भी जाए, निकल भी जाए, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुके होते हैं। अगर पुराना माल चला भी गया तो नया आ गया, पुराना चला भी गया नया आ गया, पुराना भी रहेगा नया भी रहेगा, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। पर हमने अपना विश्वास नहीं डोलने देना है। मोदी केयर पे विश्वास करो, अपलाइन पे विश्वास करो, और सिस्टम पे विश्वास करो, मैनेजमेंट पे विश्वास करो। कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपलाइन के लिए नेगेटिव बोलना है, क्योंकि अपलाइन हमारी गुरु है। और कई बार क्या होता है, हम गुरु ही चेंज कर लेते हैं। सो गुरु को चेंज नहीं करना, जो अपलाइन होती है वो गॉड गिफ्ट होती है, गुरु गॉड गिफ्ट होता है। सो हम अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स गॉड गिफ्ट है। जो लोग कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं, मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, मुझे जे अच्छा नहीं मिला, तो वो कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं। और जब हम जुड़े तो क्या हुआ, हमारे स्पॉन्सर चला गया, हमारे जो ऊपर वाले अपलाइन थे वो चले गए, तो हमें गॉड गिफ्ट मिला, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी। हम मैम को हम तभी मिल पाए जो बीच वाले निकल गए, और बीच वालों ने बहुत छेड़खानी की, तो हमने कोई परवाह नहीं की, लगे रहे। सो दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि अपना विश्वास पक्का रखो सिस्टम पे, अपना विश्वास पक्का रखो प्रोडक्ट्स पे, अपना विश्वास पक्का रखो कंपनी पे, मैनेजमेंट पे। कभी भी आपकी विश्वास की किश्ती पे छेद नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी विश्वास की किश्ती में छेद हो जाएगा, उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दो। नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, सबको मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं। नेगेटिव कंपनियों वाले हमें मिलेंगे कि भाई ये आ जाओ, लालच हमें देंगे। नेगेटिविटी आले दुआले भरी पड़ी है, जैसे एक समुद्री जहाज होता है, उसके चारों तरफ पानी होता है, क्या उसका कोई नुकसान करता है वो चारों तरफ पानी? वो पानी उसका कोई नुकसान नहीं करता, अगर पानी ना होता तो वो चलता कहां से? तो पानी आले दुआले है उसके, पर नुकसान कब होता है समुद्री जहाज का? जब वो पानी उसके अंदर चला जाता है। पानी तो चारों तरफ है पर उसका कोई नुकसान नहीं करता, पर जब वो पानी समुद्री जहाज के अंदर चला जाए तो वो जहाज डूब जाता है। ऐसे ही हम हैं। अगर नेगेटिविटी हम अपने अंदर ले जाएंगे, लोगों की नेगेटिविटी को हम अपने अंदर लेकर जाएंगे, तो अब हमारी विश्वास की किश्ती में छेद हो जाएगा, एक दिन हमारी किश्ती भी डूब जाएगी। हमने ऐसा होने नहीं देना है दोस्तों। मोदी का सिस्टम बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं तो बहुत कंपनियों में धक्के खा चुका हूं, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं भैया, या तो आप खुद गलतियां कर सीख लो, या किसी की गलती से सीख लो। तो मैंने तो जो गलतियां की है मैंने आपको बता दी है, उस पे अमल करना या ना करना वो आपके हाथ में है, आपके बस में है, कि जो भी मैंने बोला है वो सच्चाई बोली है। यही मेरी स्टोरी है। और दोस्तों लास्ट में मैं बोलूंगा, एक शेर के साथ मैं समाप्ति करूंगा। एक बार खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही लेकिन बात हुई। एक बार खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही
लेकिन बात हुई, मैंने पूछा खुदा से ये मोदी केयर क्या है, मैंने पूछा खुदा से ये मोदी केयर क्या है, खुदा ने हंसकर कहा बिल्कुल मेरे जैसा है, खुदा ने हंसकर कहा बिल्कुल मेरे जैसा है। तो दोस्तों, जैसे हम रब पे विश्वास करते हैं, गुरु पे विश्वास करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी अपलाइन पे विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, क्योंकि सिस्टम बहुत 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 जबरदस्त है। सो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच मेजर साहब, माय गॉड, वाह 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 वाह, सच बात है, बिल्कुल मेरे जैसा है, खुदा ने सही कहा, मोदी केयर बिल्कुल मेरे जैसा है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता, वो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से जानता है, उसने दुनिया बनाई है, कैसे एडम एंड ईव से, दो लोगों से आज इतनी बड़ी सृष्टि रची है, और ये सारी की सारी ताकत पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है, और इसी पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मोदी केयर में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए खुदा कहता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। जोरदार तालियां मेजर साहब जी आपके लिए बजाना चाहेंगे। और अगर दोस्तों समरी करूं, जो मेजर साहब की स्टोरी है वो दो बातें बताती है, एक तो ये कि डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छी है, पर जैसे कि साइंस अच्छा है, न्यूक्लियर पावर अच्छी है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब अच्छा नहीं है। ऐसे ही जब कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कुछ शॉर्टकट लेने वाली कंपनीज भी आती हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट सिखाने वाली कंपनीज भी आती हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट सिखाने के लिए आपको बता दूं हर महीने 1000 कंपनी लॉन्च होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बनाना बहुत आसान है, आज नेहरू प्लेस में 10,000 रुपए का सॉफ्टवेयर बिकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के सारे प्रोडक्ट्स उधार पर मिलते हैं, बड़ी बड़ी कई कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को प्रोडक्ट देती है, उधार पे प्रोडक्ट देती है, तो मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति, इकलौता अकेला व्यक्ति, 2-4 पार्टनर ढूंढ करके और बस एक छोटे से कमरे से शुरू कर देते हैं, कंपनी बन जाती है, फैल भी जाती है, बड़ी भी हो जाती है, पर इतनी फैल जाती है कि फैली भी कंपनी संभाली नहीं जाती, क्योंकि पीछे सफेद हाथी नहीं खड़ा होता, पीछे बैकअप नहीं होता, और बंद हो जाती है। या कंपनी ऐसी होती है, आजकल तो लोगों ने ये ट्रेंड चला रखा है, एक कंपनी बनाते हैं, एक नाम से लाते हैं, कोई टाटा करेगा, कोई बाय करेगा, कोई ओके करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और कोई ना कोई नाम लेकर के आते हैं, फिर साल भर उस कंपनी का के तरफ से सपने दिखाते हैं, फिर वही प्रमोटर किसी और दूसरे कुछ लोगों के साथ मिलकर के किसी नए काम, नए नाम से कोई दूसरी कंपनी चलाते हैं। गॉड नोज क्या क्या शॉर्टकट चल रहे हैं। तो आज जो सेशन है जिसमें मेजर साहब की स्टोरी यही बताती है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग करनी है, विश्वास के साथ करनी है, दिल लगा करके करनी है, प्रिंसिपल्स पे करनी है, बट उसमें कंपनी सेलेक्ट करते वक्त किसी बातों में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं आना है, देयर इज नो शॉर्टकट। ये डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस एक प्रोसेस है, मेहनत यहाँ भी करनी है, मेहनत कहीं भी करनी है, पर मेहनत करो तो ऐसी जगह करो कि फिर वो रिजल्ट पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलते चले जाएं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फीचर है, और उसी के लिए मोदी केयर जैसे प्रोफाइल की कंपनी में काम करना बहुत जरूरी है। तो मेजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए, क्योंकि सचमुच हम चाहते हैं लोग आपकी गलती से सीख लें और खुद गलतियां नहीं करें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अपनी उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर था जब डायरेक्ट सेलिंग उनकी जिंदगी में आया, जब घर में तरह तरह के बिजनेसेस खोल चुके थे, 8-10 बिजनेस कर चुके थे, 2-4-5 गाड़ियां खरीद चुके थे, पर उसके बाद बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहे थे और जिंदगी में कुछ और करना चाह रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग उनकी जिंदगी में आया, डायरेक्ट सेलिंग से उन्होंने क्या अनुभव पाया, फिर मोदी केयर में आके उनको क्या अनुभव मिला, और कैसे आज वो ही नहीं उनका पूरा परिवार शान से कहता है सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। हम बुलाने चाह रहे हैं मनीष त्रिपाठी जी को, हमारे टीबीडी स्मैक मेंबर, वन सीआर आजादी क्लब डेलीगेट। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और मनीष जी से बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है मोदी केयर के लिए। स्वागत है भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, प्रणाम चैनल पर। वेलकम भैया। सभी दोस्तों को गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी को प्रणाम बहुत बहुत। दोस्तों आज का ये सेशन है सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा, इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मेजर साहब की बहुत सारी चीजें सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे, आपको बहुत मदद करेंगे वो आपको जब जब कभी कोई तकलीफ आएगी। सो दोस्तों मेरी शुरुआत मोदी केयर के अंदर 2015 मई के अंदर मेरी शुरुआत हुई। उसके पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेसेस था, फादर जॉब के अंदर थे, मदर हाउसवाइफ थी, दो भाई एक बहन का परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फादर ने बिजनेस के जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड करना शुरू करा। 96 में मैंने और मेरे ब्रदर ने बिजनेसेस चालू कर दिए, जैसे ट्रैक्टर की एजेंसी, थ्री व्हीलर की एजेंसी, इलेक्ट्रिक बाइक का काम, पतंजलि का काम, फाइनेंस का काम,
बड़ा भारी वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, पोल्ट्री का काम, कुल मिला के धीरे 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 हम लोग बड़े बनने के विचार में थे और धीरे धीरे हमने हमारे बिजनेसेस को सेटअप करते जा रहे थे बड़े ईमानदारी के साथ। हर चीज एक जैसी नहीं होती, जब चढ़ाई आती है तो ढलान भी आता है। 2008 के अंदर काफी रिसेशन आने लगे और उसके पहले हमारे बिजनेस का टर्नओवर 30-40 करोड़ रुपए साल का था दोस्तों। एक साल का टर्नओवर 30 से 40 करोड़ रुपए का, तीन तीन ऑडिटेबल फर्म्स थी, 100-125 लोगों को हम सैलरी दिया करते थे। बट चूंकि परिवर्तन आया, कई बार अप डाउन हुए बिजनेसेस के अंदर, और ये सब कुछ देखते दाखते आंखों के सामने ही हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई, स्पेशली मेरे ऊपर 72 लाख रुपए। और 2015 के अंदर मैं मेरा शहर छोड़कर मैं जयपुर जॉब पे जा रहा था। मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है हम लोगों का, जहाँ हमारे फादर मदर रहते हैं, अपनी श्वाही रहते हैं, उस पेरेंटल हाउस को हम लोगों ने छोड़ा। 22,500 स्क्वायर फीट के मकान को छोड़कर एक किराए के मकान के अंदर मेरे को आना पड़ा मेरे शहर के अंदर। 6-7 फोर व्हीलर हुआ करते थे घर के अंदर, वहां से मैं स्कूटर के ऊपर आ गया। दोस्तों जिंदगी के अंदर ऐसा लग रहा था सब कुछ हाथ से जाता जा रहा है, जैसे रेती को जब पकड़ते हैं या समय को देखते हैं खिसकता जाता है, तो वैसी सारी चीज हाथ से जा रही थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू खत्म हो गई थी। बच्चे, पत्नी, माता पिता, सबको सब दुश्मन से लग रहे थे। सही कहते हैं कि जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है, इसका मतलब जब आप एक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो सक्सेस नहीं मिल रही होती है, और जब सक्सेस नहीं मिल रही होती है तब आपको आपके प्रिय जितने भी होते हैं ना, जो आपके खास होते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी सफलता चाहते हैं, उनके अंदर मीन मेख निकालने लग जाते हैं। यह हालांकि हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, जब काम अच्छा होता है तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, और जब कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होती हैं तो वो अपने ही हम लोग अपने लोगों के लिए बुराइयां करते हैं। खैर, 2015 मई के अंदर मेरे पास एक कॉल आती है, मैं जाकर कहीं पर जाकर बैठता हूँ और वहां पर मुझे कुछ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। मेरे को उसका प्लान बताया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे बताते हैं और हम लोग इस मोदी केयर को शुरू कर देते हैं। दोस्तों 3200 रुपए का किराया नहीं चुक रहा था, बजाज स्कूटर पे मैं और अचला जितेंद्र भैया के घर पर गए। हमारे सामने एक लेडी बैठी हुई थी, उनका नाम था डॉक्टर श्रीमती सुरेखा भार्गव जी, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी और बहुत 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 सरल लैंग्वेज के अंदर हमें समझाया। एक ही चीज समझाई बस, जो मेरे को और अचला को समझ में आई, मैं कर सकती हूँ ना भैया, तो आप भी कर सकते हो। ये चीज उन्होंने फेथ और बिलीफ हम लोगों को उस दिन दिया कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई तो मुझे लगा कि यार हमारे तो चैलेंजेस ही कुछ भी नहीं है, हमें हमारी चुनौतियां हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं। अरे आपके चैलेंजेस को छोड़ के दूसरों के चैलेंजेस को देखोगे ना तो आपके और हमारे चैलेंज सर में बाल के बराबर होते हैं। और दोस्तों 2015 मई के अंदर मोदी केयर की शुरुआत करी एक बजाज स्कूटर से, खाते में मात्र 15,000 रुपए थे, बिजनेस की शुरुआत करी, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की शुरुआत करी, और देखते ही देखते मोदी केयर के अंदर बजाज स्कूटर के बाद हम 11 गाड़ियां इस मोदी केयर से ले चुके हैं। उसके अंदर एक फोर्ड एंडीवर भी है और एक जगुआर कार भी है, जो ड्रीम कार है हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे यूथ की। एक खुद के घर के मकान में आ गए, मैं मेरे खुद के ऑफिस के अंदर अभी बैठा हूँ, साथ में 4-5 प्रॉपर्टियां ले ली। जो कर्जा नाम की जो चीज थी वो खत्म हो चुका है, सोना चांदी खत्म हो गया था, वो सारा चीज वापस आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज जो वापस आई है इस मोदी केयर की वजह से, वो आई है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, परिवार के अंदर मान सम्मान, खुद कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं वो ताकत, क्योंकि सारी चीज विटामिन एम से चलती है। तो दोस्तों मोदी केयर क्यों चूज करा हम लोगों ने, मोदी केयर आया हमारे पास जरूर था, मोदी केयर को सुरेखा दीदी ने हमें बताया जरूर था, बट हमने इसको चूज क्यों करा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये आपकी मदद करेगा कोई भी व्यक्ति को कंपनी चूज करने के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर 55,000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जिसमें ये 2 टांग, 4 टांग, 6 टांग, 10 टांग, 50 टांग सारी है। कईयों के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, कईयों के अंदर क्या है, बहुत सारी कंपनियां है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या चूज करें, क्योंकि आपकी चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ काम कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये डिसीशन वैसा ही डिसीशन है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप शादी करते हो वैसे, इच्छा हुई तो तोड़ दी और इच्छा हुई तो बना ली, ऐसा नहीं होता है। जैसे शादी के समय पर हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले हमें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आपको एक चीज की जानकारी देता हूं दोस्तों, मैं पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर, इस फिगर को आप नोट करिएगा, पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर 1400 करोड़ रुपए रोज का कमीशन आपके और हमारे जैसे लोगों के हाथ में आता है। 1400 करोड़ रुपए का कमीशन आपके और हमारे जैसे लोगों के बीच में आता है रोज। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है या जहां पर इतना कमीशन बढ़ जाता है, तो उसको चूज करने के, इसको चॉइस करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, 4 पैरामीटर्स हैं
हैं जिनको आपको चेक करना है इस बिजनेस के अंदर आने के लिए। शादी जैसा रिलेशनशिप होता है, इसलिए एक बार ही चॉइस ऐसी करो जो आपके जाने के बाद आपकी जनरेशन तक को फायदा मिले। चार पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है दोस्तों प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। हम हिंदुस्तान से देश में रहते हैं जब प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, और बिना प्रोडक्ट के कोई सा भी धंधा चिटफंड कहलाता है। कई सारी करेंसी चल रही है, कई सारी भेड़ बकरियां चल रही है, कई सारी मच्छी पालन चल रही है, ऐसी कंपनियों से बचिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट होने में पांच चीजें जो चेक करनी है। पहली, क्या आप उस प्रोडक्ट को पसंद करते हो? स्वयं से पूछिए क्या वो प्रोडक्ट आप खुद को पसंद है। अगर है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, इज देयर ए नीड इन मार्केट, क्या उस प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में? और ये मोदीकेयर में है, मोदीकेयर में पहली चीज प्रोडक्ट है। हाँ, मैं पसंद करता हूँ मोदीकेयर के प्रोडक्ट, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मोदीकेयर के प्रोडक्ट मैं पसंद करता हूँ, और जी हाँ इन प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में। साबुन है, सप्लीमेंट्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 850 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। डज द प्रोडक्ट नीड दैट नीड, क्या मार्केट उस प्रोडक्ट की नीड की रिक्वायरमेंट रखता है नहीं रखता? ये सबको, सबके सब नहाते हैं, सबके सब एलोवेरा पी रहे हैं, आंवला पी रहे हैं, सबको अच्छी स्किन चाहिए, पुरुषों को शेविंग क्रीम चाहिए, महिलाओं को अर्बन कलर जैसी कलर कॉस्मेटिक रेंज चाहिए, डाई चाहिए, एवरीथिंग भी है। मार्केट के अंदर भी उसकी नीड है, नीड को जगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। देन इज इट प्राइज्ड टू सेल, क्या इसका भाव बराबर है? चेक करिए प्रोडक्ट की प्राइसेस को। यस, मोदी केयर के अंदर हर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। हर प्रोडक्ट को आप जब लेते हो तो आप कंपेयर करते हो क्वालिटी को, तो वैल्यू फॉर मनी है। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट इन प्राइस है विद 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी के साथ। समीर मोदी जी, 85,000 करोड़ के व्यक्ति साइन करके देते हैं उस प्रोडक्ट पर, समझ में नहीं आए तो वापस कर दीजिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट प्राइज्ड फॉर प्रॉफिट, जो इसकी कीमत है उससे मुनाफा आ रहा है कंपनी को और प्रमोटर को। प्रमोटर मीन्स आप और हम। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी को मुनाफा नहीं है तो कंपनी 2-3 साल के अंदर, मेरी आवाज आ रही है भैया? आपकी आवाज आ रही है, पर स्क्रीन कोई स्क्रीन शेयर हो गया था। आप ठीक है, बात कीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयर मत करिए कोई भी, हाथ जोड़कर विनती है। सो क्या उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस प्राइस से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा? क्या उससे प्रमोटर को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? कई बार कई सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं क्योंकि वो कंपनी को प्रॉफिट के अंदर नहीं रखती। माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर 26 साल से चल रही है, कोई ना कोई सोर्स इसके पास होगा तभी चल रही है, और हम देख रहे हैं वहीं पर ही 25-26 साल से पुराने कंसल्टेंट मोदी केयर के अंदर आ रहे हैं। इट मीन्स प्रोडक्ट की प्राइस हमारी इतनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। चीज नंबर दो, सेकेंड नंबर चीज जो आपको चेक करनी है वो है द कंपनी। कंपनी के बारे में चेक करना है, इज इट वेल रनिंग, क्या कंपनी सही चल रही है? दोस्तों इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेजर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। 26 साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इट्सा का पहला मेंबर है, हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कितने उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देख लिए होंगे, कितने उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देख लिए होंगे जो इस कंपनी को मजबूत बनाता है। कंपनी किसी भी पोजिशन पे रहे, किसी भी पॉसिबिलिटी पे रहे, पीछे मोदी एंटरप्राइजेस जैसा हमारे पास सफेद हाथी खड़ा हुआ है, जहां पर समीर मोदी जी के सपने एक ही है कि आपके और हमारे घर में रोकड़ा पहुंचे। तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। डू यू बिलीव इन द मैनेजमेंट टीम, क्या आपको विश्वास है आपके मैनेजमेंट के ऊपर? हमारा मैनेजमेंट वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजमेंट है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके और हमारे लिए है वो है कंपनसेशन प्लान। जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस चीज से हमें पैसा आने वाला है, वो चीज चेक करना बहुत जरूरी है। उसमें तीन चीजें चेक करनी दोस्तों। पहली चीज, कैन न्यू पीपल जनरेट इनकम क्विकली, क्या नया कंसल्टेंट, नया व्यक्ति जल्दी पैसा कमा सकता है? यस, बिल्कुल कमा सकता है। मोदी केयर के अंदर समीर मोदी सुपर बोनस नाम का एक हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर कोई साथी 60 PV करता है तो 250 से 300 रुपए का पहले महीने उसका चेक बन जाता है। दोस्तों 250-300 रुपए के चेक पर पहुंचने के लिए कई कंपनियों में 8-9 महीने लगते हैं। इवन मोदी केयर के अंदर भी इनिशियल के अंदर टाइम लगता था, मगर आज कोई भी नया व्यक्ति 250-300 रुपए का चेक ले सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर लॉयल्टी है, फास्ट लॉयल्टी है। आपने यहाँ पर इतने का प्रोडक्ट करा, इतने का प्रोडक्ट आपको अगले महीने फ्री मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, तीसरी चीज रिपर्चेज है, इतने का प्रोडक्ट लिया और 10-15% का प्रोडक्ट बिल करते ही आपके साथ बिल में आ जाएगा नए लोगों के लिए, क्योंकि इनकम पैसों में भी है और प्रोडक्ट में भी है। सेकंड चीज जो प्लान के अंदर देखनी है हम लोगों को, कंपनसेशन प्लान के अंदर, डेवलप मॉडरेट पार्ट टाइम इनकम।
जो हमारे साथ पार्ट टाइम इनकमर है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पार्ट टाइम बिजनेस है, क्या हमारे पार्ट टाइम लोगों को पैसा आ रहा है या आ सकता है? यस, यहाँ पर कोई भी साथी 1200 पीवी करता है, 20 ग्राहक क्रिएट करता है, तो 4 से 6 हजार रुपए उसकी महीने की इनकम हो सकती है दोस्तों। और 4 से 6 हजार रुपए इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है किसी भी पार्ट टाइमर के लिए। 10-10, 15-15, 20-20 साल से लोग रखते हैं जॉब में, प्राइवेट जॉब में, जब जाके वो 30-40 हजार पर पहुंचते हैं, यहाँ पर शुरू के 2-3 महीने के अंदर हम हमारे नए व्यक्ति को 4 से 6 हजार रुपए पे लेके जा सकते हैं। साथ ही उस प्लान के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि जैसे जैसे समय डल रहा है और जैसे जैसे उस व्यक्ति की लेबर लग रही है, हार्डवर्क लग रहा है, तो क्या नई इनकम के आयाम खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, या फिर वो 4-6 हजार रुपए रहेगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर के अंदर जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है, साथ साथ आपकी लेबर बढ़ती है, परिश्रम बढ़ता है, खाली समय नहीं, 4 साल से मोदी केयर में है जी, प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनकम नहीं आ रही, ऐसे लोगों का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, खुद को भी कुछ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर समय के साथ साथ आपने मेहनत करी, परिश्रम करा, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट्स खुलते जाते हैं। सीनियर डायरेक्टर होते हैं तो आपको अलग फंड मिलता है, एसीडी आप हो जाते हैं तो आपको कार फंड मिलने लग जाता है, जब आपकी 6 लाख डायरेक्टर हो जाती है तो मोदी केयर आपको हाउस फंड देने लग जाता है, जब आपकी किसी भी पर्टिकुलर लैग में 1 लाख बीवी होने लग जाता है तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलने लग जाता है। इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे इनकम के आयाम खुलते जा रहे हैं, ये चीज चेक करने की बहुत जरूरत है। और फाइनली पॉसिबिलिटी फॉर सीरियस फुल टाइमर इनकम, जो सीरियसली इस बिजनेस के अंदर हैं, जो पार्ट टाइमर से फुल टाइमर बन गए, क्या उनकी इनकम स्टेबल हो सकती है? यस, हम देख रहे हैं यहाँ पर सुरेखा भार्गव जी को देख रहे हैं, जो 26 साल से 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रही है। मेरे को नहीं याद मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में कोई व्यक्ति 1.25 करोड़ रुपए कमाता हो। आप देखिए हम लोगों को, हमें इस बिजनेस में 6-7 साल हुए, आज 8-10 लाख रुपया महीना हम लोग कमा रहे हैं, साथ में बहुत अच्छे समय को एंजॉय करते हुए। चौथी चीज जो आप लोगों को देखनी है कोई भी कंपनी को चूज करने से पहले, वो देखना है सपोर्ट सिस्टम। अकेले अकेले कब तक दौड़ोगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आपकी अपलाइन आपके पास है सपोर्ट के लिए, बट साथ में आपको मैनेजमेंट का, कंपनी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्या उस कंपनी में वेबसाइट है? वेबसाइट है उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के साथ जुड़? यस माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर के पास खुद की वेबसाइट है, जो अभी सुरेखा दीदी ने बताया, लाखों रुपए की हम लोग आईटी के ऊपर खर्चा करते हैं हर महीने, हमारे पास हमारी वेबसाइट है। दूसरी चीज चेक करने की, आप आपके बिजनेस की रिपोर्ट चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कौन सी टीम के अंदर कितना बिजनेस हो रहा है, कौन से व्यक्ति ने पिछले महीने क्या करा, अरे 18 महीने तक का डाटा आप पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति का निकाल सकते हो, उसकी ग्रोथ कहां टक रही है चेक कर सकते हो, और रिपोर्ट चेकिंग ऐप आपके पास होना चाहिए। यस वी हैव, 24/7 सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए आपके पास, कॉल सेंटर रहना चाहिए। यस वी हैव, आपके पास कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, आपके आपकी कंपनी हर महीने 15-1 महीने 2 महीने में बड़े इवेंट करा रही है, नहीं करा रही, रिकॉग्निशन इवेंट हो रहे नहीं हो रहे, ट्रेनिंग्स हो रही है नहीं हो रही। यस माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर के अंदर हर रोज कंपनी की कोई ना कोई बड़ी इवेंट होती है, जहां पर आपको बड़ी बड़ी रिकॉग्निशंस को मिलती है, साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। हमारे पास सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर SPBM हमारे पास है दोस्तों। ये सारी चार चीजें हम लोगों को चेक करनी है, पहला कंपनी के प्रोडक्ट्स, देन कंपनी कंपनसेशन प्लान और सपोर्ट। दोस्तों ये चारों चीजों का जवाब, इन सारे पॉइंट्स के अंदर जब आपको यस मिलता है तो दोस्तों वो कंपनी बेस्ट कंपनी है। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं, यस वो कंपनी मोदी केयर है जहां पर आपको सारी चीज मिलेगी। जब आप इस बिजनेस के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो तो ये चारों पिलर्स आपके साथ खड़े रहते हैं। कोई जहाज अगर 26-27 साल से चल रहा है तो ऐसे ही नहीं चल रहा, और यही करते करते दोस्तों आज हम लोग फुल टाइम मोदी केयरियन है। सुरेखा दीदी ने बिल्कुल सही कहा, खून को भी बूंद की निकलेगी ना तो मोदी केयर पॉजिटिव नाम की हमारी ब्लड का ग्रुप निकलेगा। और दोस्तों यही हम लोगों को आगे बढ़ाना है, हमने हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। आज निशांत भाई को जब हम देखते हैं, हम हमारे बच्चों को उसके अंदर देखते हैं, दादाजी ने बिजनेस शुरू करा था, फिर फादर ने करा, फिर आज निशांत जी कर रहे हैं। मुझे आप अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के अंदर देख के बताओ, 3 पीढ़ियों वाले कोई बिजनेस ट्रेडिशनल में बता दो आप मेरे को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरे एशिया के अंदर हमारे पास ही ये ताकत है, जहां पर हमारी कंपनी की लीडर खुद 3 जनरेशन से काम कर रही है और कंपनी के जो ओनर हैं वो भी 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं। सो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कमाल है, मोदी केयर नंबर वन है, इसलिए हम नहीं कहते ऐसे मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है, हमारे पास जीरो से शुरू नहीं करना, हम लोगों के पास वो सारी चीजें हैं
जिस किसी कंपनी को बनाने में वो सालों लग जाएंगे, हम हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। सो फाइनली सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, माय गॉड, गागर में सागर भर दिया आपने भैया। और ये कितना जरूरी है बार 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 रिमाइंड कराना, बार 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 रिविजन करना कि जब किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये एक ऐसा लेसन है जो मुझे लगता है हर किसी को घुट्टी में घोट के पिलाना चाहिए। और मैं कारण बताना चाहती हूँ भैया क्यों पिलाना चाहिए। जो आज आपने ये बताया है ना, ये लाखों लोगों की जिंदगी संवार सकता है, लाखों लोगों की पीढ़ी संवार सकता है। ये आपने अपने 15 मिनट में आज जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिजनेस का ग्राफ आप सब समझिए कैसे चलता है। ये ऐसे जाता है, फिर 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 ये ऐसे जाता है। ये बिजनेस का ग्राफ ऐसे ही चलता है, आप इसको नहीं बदल सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये ग्राफ ऐसा का ऐसा चला जाएगा। ये ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, कुल मिला के देखिए आप ऊपर जा रहा है, पर बीच बीच में एक गोता लगता है, एक गोता लगता है, एक गोता लगता है। और जब ऊपर जा रहा होता है ना, जब तेजी से ऊपर जाता है, तब तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे ये जब अपना नीचे वाला रंग दिखाता है ना, उस समय आपकी असली परीक्षा होती है। उस समय कुछ लोग होते हैं जब बिजनेस हल्का सा डिप जब मारता है ग्राफ में, कारण उसके 50 है, आज हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, पर जब वो ग्राफ डिप मारता है तब लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा लाखों करोड़ों लगा नहीं होता। अगर आज 10-15 लाख भी लगा होता तो भैया गल्ले में से उस पैसे को निकालने के लिए बंदा बैठा रहता, यहाँ पैसा लगा नहीं होता। एकदम से अचानक से घबरा जाते हैं, वो जो हमने अपने पास पड़ोस रिश्तेदार सबसे सुना होता है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो आवाज कहीं कहीं से आने लगती है कि लगता है अब हमारा नहीं चलेगा। और उस वक्त हम क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या एक्शन, क्या बिलीफ रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और कुछ लोग जब ये ऐसे जा रहा होता है और उस समय इधर उधर भटकने लगते हैं, अपने विश्वास को कम करने लगते हैं या एक्शन में कम करने लगते हैं, वो तले लग जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। पर जो व्यक्ति जब ये हल्का सा डिप आता है, फिर अपने मूड को विश्वास को अप रखता है, खुद की कंपनी में भरोसा रखता है, ये चार क्राइटेरिया पे पड़ता है, और बस फिर उसके बाद कोई चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर उसका अप जाता है, फिर थोड़ा डाउन आता है, फिर अप जाता है। दोस्तों हर वक्त लगातार ये ही ग्राफ चलता है। और उस वक्त मनीष त्रिपाठी भैया की ये आज की ट्रेनिंग आपका मूल मंत्र साबित हो सकती है। ये बिजनेस है, मनीष भैया ने 30-40 करोड़ की कंपनी बना करके भी अगर उन बिजनेसेस को भी बंद होते देखा है, खत्म होते देखा है, तो हम तो एक बिना पैसों का मेहनत लगा करके बिजनेस कर रहे हैं। उसमें हमें लगातार याद रखना है कि भैया एक बार अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो, फिर विश्वास को, पॉजिटिव एनर्जीज को पीक पर रखो, और लगातार छोटे छोटे बेसिक एक्शन करो, तो जब आपका ग्राफ नीचे जाएगा वो आपको वापस ऊपर उठा करके लेके जाएगा। फिर ऐसे ही आप भी हमारी तरह एक दिन ऐसे ही किसी सेशन में सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा सुनाते नजर आओगे। जितनी तालियां बजाऊं भैया के आज इस सेशन के लिए वो कम है। आइए मिलकर के जोरदार ताली बजाते हैं मनीष त्रिपाठी भैया के लिए और हमारे आज के सेशन के आखिरी त्रिमूर्ति के एक बहुत ही कहते ना मजबूत कड़ी को बुलाते हैं। हम बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो खाली खुद के लिए ही नहीं, पूरे मोदी केयर के लिए जिसका दिल धड़कता है, जिनके एंथुसियाज्म को, जिनके जोश को हर मोदी केयरियन सलाम करता है। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं टीबीटी स्मैक मेंबर, वन सीआर आजादी क्लब डेलीगेट मुनीश चोपड़ा जी का। मुनीश जी, ओवर टू यू, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म। Welcome so here. Good morning, good morning, दोस्तों। मुनीश चोपड़ा as introduced, और by profession मैं एक IT consultant हूँ, और इस बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था, इंडिया की एक लीडिंग MNC थी इन्फोसिस, वहां पर था सीनियर कंसल्टेंट, फिर अपना भी कंसल्टेंसी रन की, मेरे वाइफ पूजा चोपड़ा वो भी IT कंसल्टेंट है, सपने बड़े बड़े थे, कुछ ढूंढ रहे थे, तो अचानक एक दोस्त ने कॉल किया और उन्होंने बताया जो आपको चाहिए, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें, सबको यहाँ पे मिल सकता है। तो बस दोस्तों फिर क्या था, जब देखा समझा और इतने लोगों को पाया यार, इतने लोग कामयाब हो गए, तो मुझे लगा हम भी हो सकते हैं, तो डिसीजन लिया दोस्तों, शुरू किया काम, और भगवान की कृपा से आज एक नेटवर्कर के जो सपने होते हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो हम ड्रीम दिखाते हैं ना, प्लान दिखाते वक्त, भगवान ने वो सारे मोदी कर से पूरे कर दिए। आज मैं बड़ा ही कंटेम्प्ट फील करता हूँ दोस्तों, जहां पर हम रहते हैं अमृतसर के अंदर एक पॉश एरिया है, वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज के विलाज है, वहीं पर हमारा विला है। इस बिजनेस से मैंने K10, स्कॉडा, फॉर्च्यूनर, जैगुआर, थार गाड़ी ली है, मैंने 5 गाड़ियां ली और एक नहीं घर बनाया दोस्तों, पहले किराए पे रहते थे, इस बिजनेस से मैंने 3-3 घर लिए और बहुत मोटा पैसा बनाया और बना रहा हूँ,
बहुत सारे विदेशों की सैरें की, टीम में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। मतलब ये मोटा मोटा बात करूं, आज ऐसे लगता है दोस्तों जैसे पिछले जन्म में मोती दान किए थे जो भगवान ने मोदी कर हमारी झोली में डाल दिया। रोज रात को सोते हुए और उठते हुए जमीन पे पांव रखने से पहले भगवान के बाद दोस्तों मोदी केयर का, समीर सर का, सुरेखा मैम जो मेरे अपलाइन है, और सारी टीम का शुक्राना करता हूँ, थैंक्स करता हूँ दोस्तों जिनकी बदौलत मोदी केयर हमारे घर आया दोस्तों। और बात करें दोस्तों जब शुरू किया था मोदी केयर तो मैं ऑलरेडी अपना काम कर रहा था, पहले मैंने कुछ साल किसी और कंपनी में काम किया था लेकिन वहां पर शायद अपने आप को उतना प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर मोदी केयर शुरू किया हमने। और पहले साल जब शुरू किया बिजनेस तो तकरीबन मेहनत की, मैं तो पार्ट टाइम करता था शुरू में, और तकरीबन 4,35,000 रुपए आया। और दूसरे साल दोस्तों क्या हुआ, जैसे मैंने डिसीजन लिया, मैं और पूजा जी समीर सर से मिले, अभी भी याद है 2 मई 2016 को मिले, तो डिसीजन ही लिया था भी कुछ लोग छोड़ के चले गए, ठीक है, लेकिन मनीष चोपड़ा टिका रहा यहाँ पर। और रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, उसी साल मैंने स्कॉडा गाड़ी ली, K10 ली, और हमारी इनकम थी 28 लाख रुपए। फिर मैं GBD भी बन गया, जैसे GBD बना एक बहुत तगड़ा भूचाल आया बिजनेस के अंदर, फिर बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन मैं खुद भी बहक गया, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, टिके रहे, हिले नहीं, टीम ध्वस्त हो गई थी, 50 लाख बीवी से 15 लाख बीवी आ गया था, लेकिन सुरेखा मैम ने हाथ पकड़ा, समीर जी ने हाथ पकड़ा, बाउंस बैक स्ट्रेटजी बनाई, दोबारा बाउंस बैक किया, और उसी साल 46 लाख रुपया मैंने बनाया दोस्तों, फॉर्चूनर ली, फिर अगले साल 45 लाख के करीब बनाया, फिर लोग छोड़ के चले गए, मैं फिर टिका रहा, लगा रहा, उस साल मैंने 52 लाख रुपया बनाया। मैं जितनी इनकम बता रहा हूँ मेरे पास फॉर्म सब भी पड़े हुए हैं। जब 52 लाख आया, फिर एक घर लिया, फिर लोग छोड़ के चले गए, मनीष चोपड़ा फिर टिका रहा, रुपये कितने बनाए, 70 लाख रुपए बनाया। जैगवार ली, एक होली सिटी में घर लिया, फ्लैट भी लिए, जैसे ही मेहनत करनी शुरू की फिर कुछ लोग छोड़ के चले गए। मनीष चोपड़ा टिका रहा, पूजा चोपड़ा टिकी रही, हमने बनाया 91 लाख रुपीस, ठीक है। फिर एक और बहुत तगड़ा लास्ट ईयर भूकंप आया, फिर कुछ लोग छोड़ के तो गए, साथ में मेरी तबीयत खराब होगी दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जो हम बोलते हैं ना, इसमें पैसिव इनकम आती है, परमानेंट इनकम आती है। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर मार्च में मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरी को क्रिटिकल सर्जरी थी, और एक महीना मैं हॉस्पिटल में रहा। सुरेखा मैम को पता है कितना सिचुएशन टाइट थी उस टाइम हेल्थ को लेकर, और एक महीना हॉस्पिटल में, 1 महीना मैं घर पे रहा, राइट। और जब घर पे भी था तो पाइप्स वगैरह लगी थी, ड्रेनेज पाइप्स, बोल नहीं पाता था दोस्तों। अगर मैं जॉब करता होता, इनकम जीरो होनी थी। अगर मैं उस टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता तो मेरा बिजनेस ध्वस्त हो जाना था, लेकिन थैंक गॉड मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन मोदी केयर में ज्वाइन करना, काम करना और टिके रहना। उन 2 महीनों में दोस्तों मनीष और पूजा चोपड़ा को 20 लाख रुपए आया था दोस्तों। तो आज बड़ा वो बोलते ना, बड़ा इमोशनल सा टॉपिक है मेरे लिए। मैं क्या बताऊं आपको, मोदी केयर मेरे लिए क्या है, मोदी केयर दोस्तों मेरे लिए मेरी जिंदगी है दोस्तों, राइट। और फिर लगे रहे, टिके रहे, फिर कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन मनीष चोपड़ा, पूजा चोपड़ा टिके रहे, और हमने बनाया 1 करोड़ प्लस, राइट। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक अच्छा इंसान होता है, वो अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है, उसकी डेथ हो जाती है, ऊपर जाता है धर्मराज जी के पास, तो बोलते हैं यार देख तूने अच्छे काम भी किए हैं, तूने बुरे काम भी किए हैं, भैया तुझे स्वर्ग भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा, तो पहले कहाँ जाना चाहेगा। तो बोलो चलो जी दिखाओ पहले नरक दिखाओ। तो वो यमराज जी जो दूत होते हैं, यमदूत वगैरह, नरक के द्वार पे लेके जाते हैं, बाहर एक LED लगी होती बड़ी प्यारी सी, वहां पर अप्सराएं नाच रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, बड़ा रंगीन रंगारंग माहौल होता है। वो बड़ा खुश होता है, यार ये नरक वाला मामला बड़ा सही है। वो बोलता है चलो जी पहले स्वर्ग भी फिर दिखाई दो मुझे। तो वो जाता है वहां पर, साधु लोग बैठे होते हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो वो बोलता है यार ये तो बोरिंग सा है स्वर्ग, नरक में चलते हैं। लो जी वो नरक के द्वार पे आता है, तो जमदूत बोलता है बताओ जी फिर क्या करें।
तो बोलता इधर ढक्कन के पे आके खड़ जो, तो बोलता जी नरकी नरकी भेजो मुझे। तो वो जमदूत बोलते भैया, यमराज बोलता भी डिसाइड कर ले यार। तो सारा एलईडी फिर देखता सारा कुछ बड़ा रंगीन माहौल, तो बोलता जी दबा दो बटन। लो जी जैसे ही यमराज जी बटन दबाते वो सीधा नीचे कढ़ाई लगी होती गर्म तेल की, वो सीधा उसमें जाके गिर जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। तो यमराज जी आवाज सुनते बोलते हाँ क्या हो गया। बोलता यार आपने बाहर एलईडी पे तो कुछ और दिखा रहे थे बड़ा रंगीन माहौल, अंदर तो कुछ और ही गेम है। बोलता भैया बाहर तो वो बोलते हैं भैया बाहर तो एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो एडवर्टाइजमेंट चला के बैठी हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर पूरी फिल्म देखनी है दोस्तों वो मोदी केयर में है, ठीक है। तो मोदी केयर शुरू किया, आज सारी जिंदगी कम पड़ जाए दोस्तों, मोदी केयर की तारीफ करते करते मैं क्या बताऊं आपको। मोदी केयर मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा परिवार है। मोदी केयर मेरी माँ है, मोदी केयर मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों के अंदर मैं मोदी केयर महसूस करता हूं दोस्तों। सही बोला मैम ने, हमारे खून का कतरा भी टेस्ट करो ना दोस्तों, उसमें मोदी केयर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कई बार ओवरऑल अगर आज मार्केट की बात करोगे, कई बार थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, बट वी आर हाईली ब्लेस्ड, वी आर हाईली ब्लेस्ड। मोदी केयर आज भी पूरी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। आज जब कंपनियां बंद हो रही हैं दोस्तों, आज बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन थैंक गॉड हम सेफ हैंड्स के अंदर हैं, हम समीर सर के हाथों में हैं। मोदी केयर ने यूके में लॉन्च कर दिया, यूके इज द टफेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, लेकिन मोदी केयर हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी दोस्तों जो यूके में लॉन्च हुई है दोस्तों। आज कंपनी अपने ऑपरेशन बंद कर रही हैं और जहां पर हर महीने प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी 29 तारीख को कितनी बड़ी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कैटेगरी लॉन्च होने जा रही है दोस्तों। यूरोप की जो कंट्री है वहां पर प्लानिंग चल रही है ओपन होने की, वेट मैनेजमेंट कैटेगरी आ रही है, किचन वेयर सारा आ रहा है दोस्तों। थाईलैंड दे दिया कंपनी ने, एक्टिवेशन बोनस दे दिया दोस्तों। एक बार बताऊं, क्राइसिस के अंदर इतना कुछ दे पाने का दम है ना, जो वो समीर सर के पास ही हो सकता है, छोटे मोटों के पास नहीं हो सकता। देखो एक बार बताऊं आपको, जब बुरा टाइम चल रहा हो, जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो पता करना था हम किसके साथ हैं, लेकिन जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तब पता करना होता है भी कौन हमारे साथ है। मोदी के आज तक कभी भी किसी भी टफ सिचुएशन में कंसल्टेंट की हेल्प करने से पीछे नहीं हटी, ये है मोदी केयर की फिलॉसफी। कई बार टफ टाइम आया कंसल्टेंट्स को, लेकिन वो है समीर सर जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और बाहर निकल के हेल्प की दोस्तों। मुझे अभी भी याद है J&K में मेरी बहुत बड़ी टीम है, 370 धारा लगी थी, इंटरनेट बंद हो गया था, बिजनेस नहीं डल रहा था वहां पर, बिलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन समीर जी ने मोदी केयर की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया दोस्तों। बिना बिजनेस के जो पिछले 6 महीने की एवरेज थी ना, वो लगातार जब तक इंटरनेट बंद रहा तब तक चेक दिए थे। ये जो दम है ना, ये दम मोदी केयर ही रख सकती है, ये दम समीर सर ही रख सकते हैं। केरला के अंदर जब फ्लड आया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, लोगों के घरों में पानी आ गया था, लोग बेघर हो गए थे दोस्तों, बिलिंग नहीं हुई थी, कई महीनों तक सफर किया केरला ने। छोटी मोटी कंपनियां ना सब उड़ जाती हैं दोस्तों ऐसे रातों रात, कोई किसी के बारे में नहीं सोचती, अपने बारे में सोचती हैं सारी। लेकिन समीर जी फिर फ्रंट पे आए और समीर जी ने क्या किया, केरला की लीडरशिप को पता दोस्तों, सारे हिंदुस्तान को पता है, जब केरला में टफ टाइम आया था समीर जी बाहर निकले और समीर जी ने बिना बिजनेस के उनको दोस्तों चेक दिए थे उनकी जो 6 महीने की एवरेज थी। कितनी एग्जांपल बताऊं, कोरोना में मोदी केयर का स्टाफ है ना जो दोस्तों पीठ पे लाठियां खाई है पुलिस से, जब डिलीवरी की है, कंपनियां बंद हो रही थी कोविड के अंदर, समीर जी ऐसे थे जिन्होंने नए नए ऑफिस खोले, 35 लाइफस्टाइल सेंटर खोले हैं, एक तरफ कंपनियां बंद हो रही, इधर हमारे नए नए ऑफिस खोल रहे हैं। मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों, मैं बार बार हर टॉक में बोलता हूँ, पता ही नहीं यार किन पिछले कर्मों का फल परमात्मा ने दे दिया, कितने अच्छे
कर्म किए होंगे हम लोगों ने यार जो मोदी घर में आ गए। थाईलैंड का ट्रिप दे दिया ऐसे टाइम के अंदर जब टफ टाइम चल रहा है, क्या क्या नहीं किया समीर जी ने। हमेशा कंसल्टेंट की सुनते हैं, वो हमेशा बोलते हैं यार तुम एक कदम चलो मैं दो कदम चलूंगा। कंसल्टेंट की सुनती है कंपनी, आप छींक भी मारते हो ना तो समीर जी तक छींक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं है हमारी मैनेजमेंट कंपनी, जो बोल दिया सो बोल दिया। प्लान नया आया हमारा ग्लोबल प्लान, लोगों को पेन थी लॉयल्टी के अंदर पीवी वाली में, कंपनी ने सुना रुपयों में कर दी, फिर लोगों ने बोला 6 महीने भी करो, कंपनी ने इतना फ्लेक्सिबल कर दी। मेरा ये मानना दो तो हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी लॉयल्टी नहीं है। मंथली भी भैया ले लो और 6 महीने वाली भी ले लो। अगर समीर जी की जगह कोई और कंपनी का ओनर होता ना, बिलीव मी मैं टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, मुझे पता है कितना लॉस होता है इसमें कंपनी को। अगर समीर जी की जगह कोई और होता ना दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन नहीं देती, एक ही ऑप्शन देती आपको। ठीक है, ये बड़े दिल है दोस्तों समीर सर का, और मैं आपको क्या बताऊं यार, आई एम इन लव विद समीर सर। मुझे इश्क है समीर सर से, मुझे इश्क है मोदी केयर से, राइट। मुझे बहुत ही प्यार है, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कई बार जब मोदी केयर की बात आती है। मोदी केयर मेरे लिए है क्या, टॉपिक था सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। यस दोस्तों, सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा, सारे जहां से अच्छा समीर सर हमारे, सारे जहां से अच्छा मैनेजमेंट हमारी, सारे जहां से अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे, सारे जहां से अच्छे प्लान हमारा, सारे जहां से अच्छे मोदी के लोग हमारे, सारे जहां से अच्छा हमारा स्पोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम हमारा, सारे जहां से अच्छा कंपनी की फिलॉसफी। दोस्तों अगर मैं हनुमान होता ना तो छाती चीर के सलाह दिखा देता आपको, मोदी के है क्या हमारे लिए। ठीक है, यहां बस्ती है दोस्तों मोदी केयर, यहां बस्ती है। जिंदगी के अंदर बहुत बार टफ टाइम आते हैं, मेरे बिजनेस के अंदर बहुत टफ टाइम है दोस्तों, हर साल कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन हमारा हमेशा एक ही मिशन था, हमने बाउंस बैक किया है। एक स्वामी जी हुए हैं, स्वामी जी ज्ञान वत्सल हुए हैं, बहुत बड़े तगड़े मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो उन्होंने एक बार इंटरव्यू ली थी, बहुत तगड़े तगड़े सीईओज उनके साथ बैठते थे, ऐसे ही सीईओ बैठते जिनकी करोड़ों रुपयों में सैलरी होती थी। तो उन्होंने एक सीईओ थे ओरेकल कंपनी के, तो उन्होंने एक बात पूछी, उन्होंने पूछा भी सर जब आप सीईओ साहब इंटरव्यू लेते हो ऐसे लोगों का जिनकी महीने की सैलरी 2-3 करोड़ रुपया है, तो आप उनको क्या सवाल पूछते होंगे। अब देखो वो तो सवाल पूछते नहीं होंगे, आपका सीवी बताओ, आपके एकेडमिक्स बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा कुछ पूछते नहीं होंगे। तो वो सीईओ साहब ने बोला यस, जब हम ऐसे एम्प्लॉयज की इंटरव्यू लेते हैं जिनको हमने सैलरी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ महीने की देनी होती है, हम उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं। स्वामी जी बड़े हैरान हुए, उन्होंने पूछा भी आप कौन से सवाल उनसे पूछते हो, कौन सा एक सवाल है जो आप पूछते हो। तो वो सीईओ साहब ने बोला हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और उस फेलियर में आपने बाउंस बैक कैसे किया। तो स्वामी जी बड़े हैरान हुए और उन्होंने बोला फिर क्या करते हो। तो बोलते 20-25 मिनट का टाइम होता है, हम उसी में जजमेंट लगा लेते हैं बंदा फिट है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कैसे आप वो करते हो, फाइनलाइज करते हो। तो उन्होंने बोला जब 20-25 मिनट में वो आंसर करते हैं तो हम ये नहीं देखते क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई, कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया, हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उस बाउंस बैक पीरियड के अंदर उस बंदे का एटीट्यूड कैसा था, सोच कैसी थी दोस्तों। तो यस, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है ना दोस्तों, तो जिंदगी के अंदर आप इतना ऊपर राइज कर जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। और मैं तो ये बोलता हूं यार, मोदी केयर हमारे दिल में तो बस्ती बस्ती है, हमारे तो घर में भी मोदी केयर है, हमारे घर के बाहर भी मोदी केयर विला लिखा हुआ है। आज मैं कहीं यूपी के अंदर हूं और एक ऐसा इंसान जिसने
रेड कलर की स्कूटी से मोदी कर शुरू किया था दोस्तों। मैं और मेरे वाइफ रेड कलर की स्कूटी पे कई बार मीटिंग करने गए हैं और आज मैं क्या ड्राइव करता हूं मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको। ये है मोदी किया, ये देखिए। यस, आज मैं जैगुआर चलाता हूं, अभी जैगुआर के अंदर ही बैठ के मीटिंग कर रहा हूं, मैं कहीं यूपी में हूं कहीं पर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बार बताओ मोदी कर मेरे लिए क्या होगी, जिस इंसान को लाल रंग की स्कूटी से लाल रंग की जैगुआर दे दी यार, किराए पे घर पे रहने वाला इंसान आज करोड़ों के घर में रहता है, कैसे मैं बताऊं मोदी कर क्या है दोस्तों। बिलीव मी दोस्तों, आई एम इन लव विद मोदी कर, आई एम इन लव विद मोदी कर। लास्ट में एक ही आपको बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चल ही चुके हैं, मेजर साहब ने बताए हैं और मनीष त्रिपाठी जी ने बताए हैं, सुरेखा मैम ने बातें की हैं। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको फिर वाइंड अप करूंगा। एक बार क्या होता दोस्तों, एक गांव में बाबा जी होते हैं, बड़े ऊपर नाम होता है उनका। तो एक शरारती बच्चा होता है, तो उनको पता होता है भी जो गुरु जी हैं बाबा जी हैं वो ज्ञानी ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं। तो वो एक दिन एक चिड़िया का बच्चा छोटा सा हाथ में ले जाता है पीछे, तो बोलता है बाबा जी को बेवकूफ बनाऊंगा मैं। तो बाबा जी चिड़िया का बच्चा हाथ में पीछे रख लेता है और बाबा जी को बोलता है बाबा जी एक सवाल का जवाब दे दो। तो बाबा जी बोलते बताओ क्या सवाल है। तो वो बच्चा बोलता है बाबा जी मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा है, आप ये बताओ कि वो मरा है या जिंदा है। वो शरारती बच्चा क्या सोचता, वो बोलता भी अगर बाबा जी बोलेंगे जिंदा है तो उसको मार दूंगा, अगर बाबा जी बोलेंगे मरा हुआ तो मैं उसको उड़ा दूंगा, बाबा जी झूठे साबित हो जाएंगे। तो बाबा जी भी बाबा जी थे, तो बाबा जी ने क्या बोला, हे बच्चा जो तेरे हाथ में चिड़ी का बच्चा है, प्यारी सी चिड़िया का बच्चा है ना, उसकी जिंदगी तेरे हाथ में है, चाहे तो उसको मार दे चाहे तो उसको उड़ा दे। सेम दोस्तों मोदी के जो प्यारा सा एक बच्चा है वो आपके हाथ में है, उसका क्या करना है चॉइस आपकी है। हम मोदी के को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, मोदी करो को भी मैं अपने तीसरे बच्चे की तरह पालता हूं, यह है मोदी कर मेरे लिए, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, सो बैक टू सुरेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, वाओ अमेजिंग, बिल्कुल सही कहा मुनीश तुमने, अगर दिल चीर के दिखाएंगे ना तो बता सकते हैं कि हमारे लिए मोदी केयर क्या है, जो मोदी केयर ने हमारे लिए किया है, जो मोदी केयर करता चला जा रहा है, ये तो सब शुरुआत है। मैं जब तुम्हारे बेटे बेटी की भविष्य के बारे में सोचती हूँ ना, तो आंख से मेरे आंसू बह जाते हैं कि मतलब कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ पहुंच चुके हो, और अगेन दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बट इट्स अमेजिंग। तुमने एक एक शब्द अक्षरश सच कह दिया, जोरदार ताली मुनीश तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। और जो तुम कहानियों की स्टाइल में बताते हो ना सब बातें, वो दिल को छू जाती है। मुझे इस सेशन से कुछ याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, पर तुम्हारी जो कहानियां हैं उनमें जो तुमने लेसन दिए हैं वो मुझे पता है सबको डेफिनेटली याद रहेंगे। जोरदार तालियां दोस्तों बजाते हैं मुनीश चोपड़ा जी के लिए। और चलिए आज के सेशन के एंड में मैं बताना चाहती हूँ कि टफ टाइम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। टफ टाइम कई बार अभी आज मुनीश जी ने नाम लिया, टफ टाइम टफ टाइम टफ टाइम, तो जरा आप सबको आज पता चल जाना चाहिए और आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये टफ टाइम क्या होता है। सबसे पहला टफ टाइम मोदी केयर में आता है जब आप खुद अपने आप से बात कर रहे होते हो, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, क्या ये मेरे लिए संभव है, क्या मोदी केयर अच्छा है। जब आप सेल्फ डाउट में लगे होते हो, आप कंपनी पे अपॉर्चुनिटी पे डाउट कर रहे होते हो, सबसे पहला टफेस्ट टाइम जो है वो आता है। फिर आपकी किस्मत अगर अच्छी होती है, किसी से कोई राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा विश्वास आपका जगता है, या विश्वास नहीं भी जगता है, आप थोड़ी सी हिम्मत कर जाते हो, थोड़ा सा एंथुजियाज्म आप में आता है और आप मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हो। फिर टफ टाइम आता है जब आपको ट्रेनिंग मिलती है, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। दूसरा टफ टाइम तब चल रहा होता है कि अरे इतना करके कैसे लाख रुपए आ जाएगा, ऐसा करने से ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट यूज करने से क्या हो जाएगा, दुकान बदल लेने से क्या हो जाएगा। जब इस प्रोसेस पर आप डाउट कर रहे होते हो वो सेकेंड टफ टाइम चल रहा होता है कि अच्छा सचमुच ऐसा करने से कुछ होगा। अगेन वो तलवार की धार जितना ही वो एक इधर भी गिर सकते हो इधर भी गिर सकते हो, आप
चाहे तो पॉजिटिविटी में जा सकते हो, चाहे तो नेगेटिविटी में जा सकते हो, पर वो भी किस्मत पे डिपेंड करता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है उन लोगों को राइट एक्सपोजर मिल पाता है, वो लोग राइट डिसीजन लेते हैं, और नहीं भी विश्वास होता तो क्योंकि कुछ करने में कुछ नुकसान नहीं है, वो इस काम पे लग पड़ते हैं और धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तीसरा टफ टाइम शुरू होता है जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो। कुछ लोग सीख करके करते हैं, कुछ लोग बिना सीखे करते हैं, कुछ लोग किसी सपोर्ट के साथ करते हैं, कुछ लोग अकेले करते हैं। तरीके सबके अलग हो सकते हैं, सिचुएशन सबकी अलग हो सकती है, बट तीसरा टफ टाइम आता है जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो। और हमारे इस बिजनेस में हर हाल में ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन मिलता ही मिलता है। जैसे एक सर्जन कह दे कि नहीं भैया मैं तो कैंची को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो ब्लेड को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो वो सर्जन नहीं बन सकता ना। बस वैसा ही हमारे बिजनेस में अगर हम ऑब्जेक्शन से और रिजेक्शन से घबरा जाएं और फिर कह नहीं जी मोदी केयर अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, तो फिर अगेन टफ टाइम आपकी लाइफ में आता है। उसके बाद टफ टाइम आता है जब आपकी टीम बनने लगती है। देखिए एक बहुत बड़ा सच है, सारे वर्ल्ड में जो रिटेंशन रेट है ना वो करीबन 6-7% है। अब ये साइंस है, ये गणित है, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, डेटा है कि अगर 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 6 ही लोग साल के आखिर तक बने रहते हैं। वो 94 लोग हर हाल में किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, अपने किसी ना किसी व्यक्तिगत कारण से इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा टफ टाइम होता है। आप किसी को लाए, कोशिशें करके लाए, लॉ ऑफ एवरेज ने आपके लिए वर्क किया, वो आपने दिल लगाया, मेहनत करी, और फिर अगर आपकी टीम में 100 लोगों में से 94 लोग चले जाएं, तो इससे बड़ा टफ टाइम क्या हो सकता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का यही ट्रेंड है। पर मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, मोदी केयर की जो रिटेंशन रेट है ना वो 24 के करीब है। मोदी केयर की सबसे बड़ी जीत, क्यों मोदी केयर सारे जहां से अच्छा है, वो यही है हमारी रिटेंशन रेट। वर्ल्ड की जो रिटेंशन रेट है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो साल के आखिर तक 20-21-22 किसी साल में, अलग अलग सालों का अगर एवरेज बताऊं तो हमारा 20-24 के बीच में हमारी रिटेंशन रेट रहती है, और वो साबित करती है कि सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। पर एक आम व्यक्ति के लिए अगर 100 लोग टीम में बने और 100 में से 75 भी छोड़ के चले गए ना, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टाइम होता है। फिर चलो उस टफ टाइम से भी व्यक्ति धीमे धीमे, जब आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में जुड़े रहते हो, आपको पता चलता रहता है कि भैया लोग जाएंगे। अभी भैया ने बताया कि जी बकेट होती है, बकेट में से लीकेज होती है, पर ऊपर से पानी भी तो आता रहता है। 135 करोड़ लोग हैं, सबको पैसा कमाना है, सबके सपने हैं, सब सपने पूरे करना चाहते हैं। अगर हम एक्शन कर रहे होते हैं तो लगातार लोग तालाब में नया पानी आता भी जाता है, लोग निकलते हैं, लोग आते हैं। निकलने की स्पीड कम हो और आने की स्पीड ज्यादा हो तो बाल्टी भरी रहती है। तो टफ टाइम तब आता है जब निकलने की स्पीड ज्यादा हो और लाने की स्पीड कम हो। तो एक सिचुएशन से आपको मैं अपग्रेड करती हूं। जब लॉकडाउन हुआ, जब वो 2 साल के करीब ऑनलाइन सब लोग लगे रहे, घरों में थे, एक लॉकडाउन की एक अलग ही पिछले 2-3 साल की दुनिया बनी, उस समय में बहुत ज्यादा लोग मोदी केयर में आए। अब वो लॉकडाउन खत्म हुआ है, सब अपने फील्ड पर लगे हैं, सब अपने अपने बिजनेस में जो लॉस हुआ है उस लॉस को मेकअप करने में लगे हैं, सबके नौकरियों के बड़े टारगेट हैं। उस समय में इस इंडस्ट्री की सिचुएशन ये है कि हाँ, लोगों को समझाने के लिए खाली आप ऑनलाइन के बल पे सोचो, खाली सोचो जूम मीटिंग में बुला करके समझा दोगे, नहीं हो पाता है। आपको पर्सनली मिलने जाना है, और लोगों को, हम लोगों को, डायरेक्ट सेलर को आदत पड़ी है कि लाओ जी चलो फोन पे बात करें, जूम पे बात करें। तो वो एक गैप है जो इस समय इंडस्ट्री में क्रिएट हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कॉस्मेटिक में डील करती है। अभी 3 महीने पहले मैं उसके किसी लीडर से बात कर रही थी, कहने लगे मैडम हमारा 35 करोड़ का टर्नओवर हुआ है पिछले महीने का। 35 करोड़, वो कंपनी जो लगभग 2000 करोड़ साल का करती है, 35 करोड़। क्यों? क्योंकि भैया कॉस्मेटिक कंपनी है, अब वो ऑनलाइन पे करने से काम नहीं चलेगा, पर्सनली जाकर के मिलना होगा। तो लॉकडाउन के बाद हमारी इंडस्ट्री को कुछ चेंजेस की जरूरत है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के एक सॉलिड कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अगर हम इसको अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को नए सिचुएशन में एकोमोडेट नहीं करेंगे, तो होगा क्या, जो लोग जाते हैं वो जाएंगे ही, और अगर आने वाले लोग कम हुए तो आपको लगेगा अरे भैया हमारा टफ टाइम चल रहा है। पर वो टफ टाइम वही जो मैं ऐसे ग्राफ की बात कर रही थी ना, लॉकडाउन में ये स्टीप बढ़ा भी तो है, तेजी से आगे भी तो बढ़ा है, लाखों करोड़ों रुपए कमाया भी तो है। अब जो ये डिप आया है, इस डिप के वक्त आप क्या सोचते हो, कितना विश्वास मोदी केयर पे अपने बिजनेस पे रखते हो, खुद पे रखते हो, अपलाइन पे रखते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, स्ट्रेस में आकर के रिलेशंस नहीं बिगाड़ते हो और एक्शन करते हो। जब आप इस समय बेसिक्स पर उतर जाते हो तो
तो ये बिजनेस यहां से जंप लेता है। और इस जंप को लेने के लिए आप देखो मोदी केयर ने क्या क्या किया है। मोदी केयर एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी ले आया है, वेट लॉस कैटेगरी अगले महीने आ जाएगी, प्लास्टिक कंटेनर्स की किचन वेयर की कैटेगरी उसके अगले महीने आ जाएगी। हर महीने हम लगातार प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, थाईलैंड भी लॉन्च कर दिया है, तो एक्टिवेशन बोनस भी है, तो अभी आजादी बोनस भी जो है, आजादी अमाउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। कंपनी हर वो चीज कर रही है जो इस समय आपको इस ग्राफ को यहां ले जाने में मदद करे। अगर आप कंपनी की इस इंटेंशन को समझोगे, न केवल इंटेंशन, इस बिजनेस में आपके प्रमोटर के पास डीप पॉकेट होनी चाहिए और बिग हार्ट होना चाहिए, और ये दोनों की दोनों चीजें मोदी केयर के पास हैं। इसलिए हमें किसी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक करने की जरूरत है, हमें गॉसिप में नहीं लगना, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस समय बेसिक 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 करके अपने ग्राफ को ऊपर लेकर के जाना है, और तब बनेगी आपकी मुनीश चोपड़ा जैसी कोई कहानी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और आपका चेक, आपकी सफलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे जहां से अच्छा है मोदी केयर हमारा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मैं ज्योति सुकुमार जी के लिए, मेजर साहब के लिए, मनीष त्रिपाठी भैया के लिए, मनीष चोपड़ा जी के लिए, आपके लिए इस आई ओपनिंग सेशन को करने के लिए सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बिजनेस जैसा है टेढ़ा है पर मेरा है, इसे एज इट इज अपनाओ, क्योंकि ये बिजनेस जैसा भी है इससे अच्छा कुछ और हमारे पास वैसे भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से भटकने की, दिल लगा करके बेसिक करो। बेसिक हमारा कुछ खोने के लिए नहीं है, सब कुछ उसमें पाने के लिए है। मूड अपना कंट्रोल करो, अपने टेंट्रम्स कंट्रोल करो, अपने वो फर्म माइंड हो जाओ, अंगद की तरह पैर टिका दो, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक्शन, जो कि मोदी केयर में इतनी सारी कैटेगरीज होने के कारण हजारों एक्टिविटीज हमारे पास हैं करने के लिए, हम लगातार सिखाते भी जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए, जीत जाइए, और अपनी कहानी तैयार कीजिए सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। हम कल एक आपको डेट डिक्लेयर करने वाले हैं जिसमें सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा की आपको एक डिजाइन मिलेगा। आप उसमें अपनी फोटोग्राफ लगाइएगा, अपना FB का एक टाइम लगाइएगा, और हमें कॉमन टाइम पर पूरा का पूरा मोदी केयर, सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा अपनी स्टोरी सुनाने के लिए FB पर आएगा। तो बस इसी तरीके के छोटे छोटे एक्शन मोदी केयर का डंका बजाने के लिए हम करते रहेंगे। मोदी केयर को आप बड़ा बनाते जाओ, मोदी केयर आपको बड़ा बनाता जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।